हिस्ट्री में पहली बार कोई चीज ब्लैक होल से बचकर बाहर निकली, जिन ब्लैक होल से फोटोन भी बाहर नहीं निकल सकते। हाल ही में एक ब्लैक होल ने एक मैसिव स्टार को निगलकर वापस बाहर निकाल दिया, और वो भी उसे निगलने के पूरे 3 साल बाद। लेकिन कैसे? दरअसल जब ये स्टार ब्लैक होल के पास पहुंचा, तब उसका मैटर आइसक्रीम की तरह पिघलकर ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में घूमने लग गया, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर तक नहीं पहुंचा। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक सिर्फ वही मैटर जाएगा जिसकी ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट उसके इवेंट होराइजन तक जाती हो। बाकी मैटर एक प्लेन में उसके एक्रीशन डिस्क के अराउंड घूमेगा, जैसे हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं। ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, उसके कांटेक्ट में आते ही डिस्क का मैटर बाहर निकल जाता है, जो कि कॉमन है। लेकिन नासा इस बात से हैरान है कि मैटर इजेक्शन में 3 साल क्यों लगे।